इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंस्टीट टेलीकॉम का स्टूडेंट और मैं आज आपको बताऊंगा कि पुराने कॉम्बो में से टच कैसे चेंज करते हैं और कैसे निकालते हैं। टच कैसे निकालते हैं? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है शानू। कहाँ से आए हो? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से आए हो? अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास जो कॉम्बो है वो कौन सा है, मतलब किस मोबाइल का है? ये कॉम्बो सैमसंग J5 का है। तो जनरली जब हमारे पास कोई टेक्नीशियंस यूजर्स आते हैं, जब मोबाइल में कॉम्बो चेंज करना कि टच टूट गया, डिस्प्ले टूट गया, तो अपन को उनका कॉम्बो चेंज करना होता है। पर अगर अपने पास कोई पुराने कॉम्बो रखे हुए हैं टूटे वाले, जिनका टच सही है या फिर डिस्प्ले सही है, तो उनका हम क्या, ये जो तरीका हम जो देखने जाने वाले हैं, ये बेसिकली वो प्रैक्टिकल है कि आप उसे वो टच और डिस्प्ले निकाल के आसानी से वो यूज कर सकते हैं और उससे आप अपना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इससे आप इसको आप यूज करके अपने, मतलब कोई भी पुराना फोल्डर या टच पड़ा हुआ है, आप इस कॉम्बो को अलग करके अपने पुराने से मैच करके लगा के और अपना एकदम सेम टू सेम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या उसी मशीन की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? नहीं सर, मुझे कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे को सेपरेटर मशीन की जरूरत। सेपरेटर मशीन की जरूरत पड़ेगी? तो चलो, सेपरेटर मशीन के साथ आपको और इसके साथ में क्या चाहिए? मेरे को ये वायर चाहिए। वायर चाहिए, चलिए ठीक है, बताइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको कितने उसपे रखा हुआ है, टेम्परेचर पे कितने का टेम्परेचर पे सेट करके रखा? 110 पे। 110 पे, तो 110 पे रखा हुआ है, तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये 110 पे आकर सेट हो जाएगा। हाँ। तो कब तक ये कितने पर आएगा कि तब आप इसको इसके ऊपर रखे थोड़ा हीट करेंगे? आप हमारा 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा तब आप इसको रख देंगे, क्योंकि इसको थोड़ा देर आपको हीटिंग होना भी जरूरी है। ठीक है, कितने दिन हुए तुम्हें यहाँ आए हुए? जी मेरे को सिर्फ यहाँ आए हुए एक हफ्ता हुआ है। और अच्छा, एक हफ्ते में, जैसे अगर तुम जैसे 3 महीने वाले इंस्टीट्यूट या 5 महीने वाले इंस्टीट्यूट में सीख कर जो भी कहीं से भी आए हो, तो अब यहाँ पे एक हफ्ते में तुम कितना सीखो ये बताइए। मैं एक हफ्ते में इतना सीख चुका हूँ कि अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा टेक्नीशियन बन गया हूँ। एक हफ्ते में मुझे इतना ज्ञान मिल चुका है इधर, यहाँ पर डेली हर चीज बता सकता हूँ, मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज होती है, क्या कंपोनेंट होते हैं, इसकी क्या टेस्टिंग होती है, कैसे ट्रेसिंग करते हैं, कैसे आईसी तक पहुँचना है, कैसे रिवॉल्विंग करनी है। अच्छा, ट्रेसिंग का आपको यहाँ पर कैसा अनुभव हुआ कि ट्रेसिंग अब ट्रेसिंग आपके लिए सरल हो गई यहाँ पर? बहुत सरल हो गई। सर्किट डायग्राम की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे नहीं है जरूरत। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप जैसे तब पहले दिन आप यहाँ सोच के आए थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक महीना जिसमें हार्डवेयर भी हम पढ़ा रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या सोचा होगा, क्योंकि सही सही बताना बिल्कुल कि पहले दिन आपके दिमाग में क्या आया? मेरे को ये लगा कि और इंस्टीट्यूट 3 महीने में भी कोर्स नहीं करवा सकते हैं, उन्होंने काफी करवाया पर कुछ नहीं सिखाते हैं। पर लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मैं यहाँ आया, तब मैंने यहाँ जो हमारे सर है ना, उन्होंने पहली क्लास बहुत लंबी लेते हैं, हमारे सर का बताने का तरीका है ना वो इतना बेटर तरीका है ना, इतना बेटर तरीका है कि ये हमारे माइंड में घुसा ही घुसाएगा। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, 92 आ गया, डिस्प्ले रख दो यहाँ पर, ठीक। और डिस्प्ले को अभी हम वैक्यूम चालू नहीं करेंगे, वैक्यूम तब कब चालू करेंगे? जब हमारा हीट हो जाएगा, 110 पर आ जाएगा। अच्छा, फिर तो यहाँ पर बेसिकली कितने घंटे की क्लासेस आपने यहाँ पर लेते हैं? एक घंटे के पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ से पर डे 6-7 घंटे 8 घंटे तक की क्लास मेरी पढ़ने की। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कॉपी किताब पेन लाते हो क्या यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं, आने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मैं बैठ के लिखवाता हूँ क्या आपसे? नहीं, कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है सर, आपको यहाँ प्रैक्टिकल ही समझाते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी अच्छा है आपने ये बात कही और ये बात आपने दिल से कही, कोई यहाँ पे कोई पेड रिव्यू ऐसा नहीं है। हमारे साथ जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छे सारे बच्चे हमारे पास दूर दूर से आते हैं। तो हमारा अब यहाँ पर हो चुका है 98 और 110 आ रहा है, 100 हो चुका है, हम वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा छूके देख क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, गर्म करना जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको काटते हैं बेसिकली तो थोड़ा सा वो गर्म होके जो नरम हो जाता है और तभी वो आसानी से कटता है। अगर आप एकदम से रखेंगे और काटेंगे तो आप अपना टच को तोड़ देंगे। देखिए अब क्योंकि आपने इस तरह से रख लिया, इसको निकाल के थोड़ा पलट के रखो ताकि हम अपना वहां से यूज कर सकें। हटा लो इसको, अब इसको इस तरह से रखेंगे और देखिए नीचे से आपका वो सही तरीके से गोले जो सही तरीके से मैट सही तरीके से लगी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे कितना आ चुका है? 104। चलो हम वेट करते हैं यहाँ पर। इस मशीन को कौन सी मशीन बोलते हैं? इस मशीन का सेपरेटर मशीन बोलते हैं। सेपरेटर मशीन कितने तक की आती है मशीन? ये मशीन मार्केट में तो मिल जाएगी
2500 2000 2500 2800 के बीच 2500 2800 और ये बेसिकली 3500 रुपए की मार्केट की अलग अलग प्राइसेस होती है, अलग अलग क्वालिटी अलग अलग प्राइस में ये मशीन आती है बेसिकली। तो चलिए 105 में हम इसको चालू, 106 आ चुका है तब तक हम इसको चालू कर सकते हैं। अब हम चालू करने के लिए क्या दबाएंगे? ये रेड बटन है, ये वैक्यूम बटन है आपका और आप इसको दबा देंगे। दबाइए। अब क्या हो गया, ये बेसिकली फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है, ये उठेगा नहीं, हम इसको उठाएंगे ना तो ये उठेगा ना, ये हिलेगा अपने। चलिए ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब हमको ये वायर लेनी है और हम ये वायर को, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप इंजेक्शन से सीरीज से आप साइड साइड में यहाँ पर हल्का हल्का थिनर डाल सकते हो, थिनर डालने से जल्दी मेल्ट हो जाएगा और ज्यादा जल्दी निकलेगा, ग्रिप छोड़ देगा ये बेसिकली। तो आप इसमें थिनर का यूज कर सकते हैं। ये नीचे ये टच का पत्ता है, टच खराब हो जाएगी, टच के ऊपर से ले, टच के ऊपर से, ये टच के ऊपर से ले, हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से ले, कट रहा है? यस यस यस। तो देखिए दोस्तों इसको बड़े आराम से आपको निकालना है और कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ना ऊपर की तरफ खींचना है आपको, बड़े आराम से प्यार से निकलेगा, ये अपने आप निकलेगा दोस्तों। ठीक, अब ऊपर से एक बार और लो, बस पत्ता कट जाएगा, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नीचे 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 कर, ठीक है हटा लो, आप निकल एक तरफ से खींच लो, अब फिर से ऊपर से करो एक बार, यहाँ से चलो, अब उठाओ, तो देखिए आ गया, ठीक अब बताइए। तो देखिए दोस्तों ये हमने इसकी एकदम टच निकाल ली है और ये हमारी टच खराब थी, मतलब ये हमारा डिस्प्ले हो गया और ये डिस्प्ले बिल्कुल हमारा सही निकल गया, कहीं से भी टूटा नहीं है और ये हमारा क्या हो गया, टच निकल गया। अच्छा अच्छा, टच की क्या पहचान है, क्योंकि कई बार हम सैमसंग से निकालते हैं और प्लेट तो निकल आती है, मतलब एक ग्लास निकल आता है पर इस तरह की आईसी नहीं लगी होती, तो टच की यही निशानी है ना कि उसमें टच में ये कनेक्टर में आईसी लगी होती है, ये लैग वाली आईसी होती है दोस्तों और इसमें कैपेसिटर होते हैं, ये तीन कैपेसिटर जो लगे हुए हैं और इसमें मतलब 6 लैग होते हैं बेसिकली, मतलब इसमें एक आपका पूरा एक सर्किट बना होता है, पर अगर यही अगर सेपरेटर ग्लास होता तो खाली उसमें केवल एक ग्लास मिलता, ठीक। तो मतलब अब आप ये वाला इसको ग्लू से, आप ग्लू रिमूवर से इसको साफ करके आप दूसरे किसी मोबाइल के फोल्डर में आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं बड़ी आसानी से, और सेम यही चीज आप डिस्प्ले लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे सब्सक्राइबर से? मैं अपने सब्सक्राइबर से यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो स्टूडेंट हैं भटक रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, रिपेयरिंग सीखने का बहुत शौक है और करना है, पैसा भी कमाना है लाइफ में, तो दोस्तों मैं यही अपनी तरफ से देना चाहता हूँ कि ज्ञान अगर सही ना मिले तो बेकार है ज्ञान लेना, और कहीं घूमने से फिरने से अच्छा है कि हमें एक सही रास्ता मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको यही राय दूंगा कि जो भी स्टूडेंट है एशिया टेलीकॉम, हमारे सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिकली आपको सीखने को मिलेगा, आपको एक माइक से लेकर ट्रेसिंग आईसी तक पहुंचाने की पूरी जानकारी मिलेगी आपको बिना सर्किट डायग्राम के। तो दोस्तों यहाँ पे आप एप्पल आईफोन लेवल का भी काम सीख सकते हैं पूरा,
आपको मार्केट में कहीं, और जबकि आपने कितना समय हुआ, 3 महीने या 6 महीने आपने यहाँ नहीं बिताया, आपने कितने दिन बिताया अब तक? मैंने सिर्फ यहाँ एक हफ्ता बिताया, एक हफ्ता, और एक हफ्ते में मैं अब कोई भी फोन खोल सकता हूँ और उसकी ट्रेसिंग करके उसको रिपेयर कर सकता हूँ। कॉम्पोनेंट तो आपने सीखने, जो कॉम्पोनेंट का टोटल की जानकारी तो आपने 2 दिन में ही आके सीख ली? दो दिन में मैं हर कॉम्पोनेंट का नाम और जानकारी, टेस्टिंग सब बता सकता था, सब बता सकता था। चलिए ठीक है, जो हम आप लोगों को मैं सही राय देता हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और जो सीखना चाहते हैं, जिनके दिलों में ख्वाहिश है सीखने की, काम करने की, तो एशिया देखते रहिए एशिया टेलीकॉम चैनल, और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, तो दोस्तों भविष्य में मेरा भी एक चैनल आएगा और मेरे भी स्टूडेंट होंगे, और मेरे भी सपना ये है कि मैं भी अपना इंस्टीट्यूट खोलूँ, क्योंकि जो सर हमारे ट्रेनिंग देते ना वो एकदम इंस्टीट्यूट लेवल पर ट्रेनिंग होती है, हम खुद अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो दोस्तों हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और हम अपने एशिया टेलीकॉम से ही बहुत अच्छा सीख चुके हैं, और सर्टिफाइड कोर्स है यहाँ, सर्टिफाइड सीख के आप एक अपना खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के स्टूडेंट हैं, या आप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या आप सीख रहे हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें इस लाल बटन को, और सब्सक्राइब के बाद इस बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले हमारे चैनल का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एशिया टेलीकॉम का स्टूडेंट, मेरा नाम शानू है और मैं नोएडा से आया हूं। मैं दोस्तों आज आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग स्टूडेंट बाहर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, सीखने की दिल में बहुत ख्वाहिश है, और लेकिन कुछ वो स्टूडेंट जो बाहर से आए हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, मतलब उन्होंने सीखा पर उन्हें कुछ सीखने को नहीं मिला है, तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक ही राय देना चाहता हूँ कि ये जो बुक है ना, ये जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इतनी दूर नहीं आ सकते सीखने, सर के इंस्टीट्यूट जो हमारे शहर हैं, इनका जबलपुर में इंस्टीट्यूट है, और ये चिप लेवल एडवांस हमारे रिपेयरिंग यहाँ सिखाई जाती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप इस बुक को खरीद कर, और आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए बहुत कुछ मतलब बढ़ सकते हैं इस बुक से। आप इस बुक की कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है दोस्तों, सिर्फ इस बुक की कीमत सिर्फ 400 रुपये है दोस्तों, पर लेकिन इस बुक को ख़रीदने के बाद आप घर बैठे ही मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं, क्योंकि पास पैसे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, फैमिली रिलेशन जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस बुक को खरीद कर मोबाइल रिपेयरिंग सीख सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये बुक खरीदनी है, तो आपको ना जो हमारे यूट्यूब चैनल है ना सर का, उसके नीचे वीडियो में लिंक दिए नीचे, तो आप उसको लिंक क्लिक करके आप उस वीडियो को परचेज कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है, मोबाइल सॉफ्टवेयर आपको सीखना है, फ्लैशिंग आपको सीखना है, आपको पता करना है कि फ्लैशिंग क्या होती है, स्टॉक रूम किसे कहते हैं, कैसे हम फाइलों की फ्लैशिंग करें, तो आप आज ही डाउनलोड करें एक ऐप्स जो आज हमने लॉन्च किया है। तो आपको करना क्या है कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, एशिया टेलीकॉम लिखना है दोस्तों, कोई सा भी ऐप्स मेरा खोल लेना है, और ऐप्स के नीचे आप जाएंगे और यहाँ पर आपको देवरत्न अग्रवाल दिखाई देगा और मेरे बहुत सारे ऐप्स दिखाई देंगे, वहाँ पे आप मोर पे क्लिक करें दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे नीचे में एक आपको ऐप्स मिलेगा मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। तो ये जो आपको ऐप्स है, इसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, डायरेक्ट आप उसको क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे, इसको आज के डाउनलोड करें, केवल 2.1 MB का ये ऐप्स है दोस्तों, और इसमें मैंने बताया है सब तरह की फ्लैशिंग, और इसमें मैंने आपको यहाँ पर सब तरह के यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो एक इंस्टीट्यूट में बताया जाते हैं, तो यहाँ पे आपको मैंने कोशिश की है कि सब तरह के यहाँ पे ज्ञान दूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना है इसको ओपन, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में दोस्तों ये जैसे ही ओपन होता है तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। आपको करना है एंटर टू इंस्टीट्यूट, तो आपको यहाँ पे एंटर टू इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है, और जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे आ जाएंगे मोबाइल सॉफ्टवेयर फॉल्ट, तो यहाँ क्या मोबाइल सॉफ्टवेयर के क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, स्मार्टफोन रिपेयरिंग होता क्या है, फ्लैशिंग किसे कहते हैं, फ्लैशिंग के टाइप, USB केबल से क्या फ्लैश किया जाता है, फ्लैशिंग तो मोबाइल फ्लैशिंग विद USB केबल क्या होती है, मोबाइल फ्लैशिंग विद विदाउट USB केबल अगर हम बात करें, विद बॉक्स यहाँ पे सब बताया गया है, स्टॉक रोम, कस्टम रोम, रिकवरी टाइप, कस्टम रिकवरी, स्टॉक रिकवरी, और दोस्तों यहाँ पे आपको सब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, और हाउ टू यूज रिकवरी मोड और ये सारी चीजें हैं, व्हाट इज मोबाइल फ्लैशिंग टूल, CPU बेस क्या होता है, तो यहाँ पे आईफोन की फ्लैशिंग, उसका आईफोन का टूल, आईफोन का ड्राइवर, यहाँ पे सब कुछ देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिलेगा, आईफोन एप्पल में पासकोड कैसे अनलॉक करते हैं, DFE मोड पे कैसे लाते हैं, सैमसंग का सारे उसके सारे वर्जन आपको यहाँ पे वन क्लिक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके सारे ड्राइवर आप डाउनलोड कर सकते हैं,
FRP reactivation और यहाँ पे Samsung FRP tool, MediaTek, तो यहाँ पर आपको MediaTek के सारे मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप बाकायदा पिक्चर के साथ। Xiaomi में मिल जाएगा आपको Xiaomi के टूल, कैसे उसको अनलॉक करें अकाउंट, स्प्रेक्टम मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नोकिया और फिर उसके बाद में फ्लैशिंग बॉक्स के क्रैक वर्जन, GSM टूल, तो यहाँ पे आपको दोस्तों ये सब देखने को मिलेंगे। तो इसको आज ही डाउनलोड करें और इसका लाभ उठाएं दोस्तों। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कॉल मत कीजिएगा, अगर आपको रिपेयरिंग सीखनी है खुद हमारे इंस्टीट्यूट आके तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर दीजिएगा, और वो भी आपसे कॉल कर सकते हैं 12 और 5 बजे के बीच में। धन्यवाद। Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.